नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। ज्योतिषी के अनुसार सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और शनि 2.5 साल में राशि गोचर करते हैं। 30 साल बाद शनि अपने ही राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि गोचर करके कुंभ में आएंगे। वही 13 फरवरी 2023 को सूर्य गोचर करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 14 मार्च 2023 तक कुंभ में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस तरह कुंभ राशि में एक महीने तक सूर्य और शनि की युति रहेगी, जो कि 3 राशि वालों के लिए बेहद अशुभ हो सकती है और उन्हें बहुत नुकसान भी करवा सकती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि शनि सूर्य की युति किन राशियों वालों के लिए अशुभ है। कर्क राशि। सूर्य और शनि की युति से कर्क राशि के जातकों को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में कई समस्याएं हो सकती है, ऐसे में अनियंत्रित बोलचाल बड़ा नुकसान करवा सकता है। कर्मियों से बहुत सोच समझकर बात करें, खासतौर गुस्सा या विवाद बिल्कुल न करें वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये एक महीना संयम और सतर्कता से निकालें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य गोचर और शनि गोचर से बन रही शनि सूर्य की युति धन हानि करवा सकती है। इन लोगों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ेगा। खास तौर पर व्यापारिक समय निवेश करने से बचे या सोच समझ कर निवेश करें। इसके अलावा शारीरिक मानसिक परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है। कुंभ राशि। सूर्य और शनि की युति कुंभ राशि में ही हो रही है। शत्रु ग्रह सूर्य और शनि का कुंभ राशि माना इसके जातकों को हानि करवाएगा। इन लोगों को कई मामलों में नकारात्मक फल झेलने पड़ेंगे। पैसा, रिश्ते, सेहत सभी क्षेत्र का ध्यान रखें। हर काम थोड़ा सोच समझ कर करें। निवेश से बचें, गुस्से पर काबू रखें।